हैव विजन फॉर योरसेल्फ। आज हम सभी इधर उधर की गॉसिप करने में लगे हुए हैं, हमारे पास खुद के लिए विजन नहीं है, ऐसे में हमारी लाइफ को डायरेक्शन नहीं मिलता है। कहते हैं कि जब तक आपके पास लाइफ में कुछ करने के लिए टारगेट ना हो तब तक आप काम नहीं करते। ऐसे ही आपके पास अगर विजन नहीं है तो आप उस डायरेक्शन में नहीं जाते। सो हैव क्लियर विजन फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए पहले क्लियर विजन बनाओ, क्या अचीव करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, एक पहले रास्ता डिसाइड करो और फिर क्लियर विजन रखो, तब आप उस रास्ते पर आसानी से जा सकते हो। कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू, अपने आप को अपने पुराने खुद से कंपेयर करना। जिस दिन आप इसको एनालिसिस करने लगो, अपने अतीत को कंपेयर करने लगो आज से, तो आपका आज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने डे टू डे लाइफ को आकलन करने लगते हैं तो हम बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं। बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग अपने आप को नहीं देख रहे, अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू। आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। अपने पुराने और आज में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जब तक आपके कल में और आज में बदलाव नहीं होगा तो आपका आने वाला कल यानी भविष्य बेहतर नहीं होगा। तो जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचो तो अपने पास्ट के बारे में आज कंपेयर करो कि पास्ट में मैं जैसा था वैसा हूं तो भविष्य वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए जैसे आप पास्ट में कर चुके हो वैसे हमें आज वर्तमान में नहीं करना। सो कंपेयर योरसेल्फ टू द ओल्ड यू, यानी कि हमें अपने पास्ट से आज कंपेयर करना है कि क्या जैसा मैं कल था उससे आज कुछ बेहतर हूं। अगर नहीं बेहतर हो रहे तो आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, आज पे काम करने की जरूरत है, तभी आपका आने वाला भविष्य, आने वाला कल बेहतर हो सकता है। ग्रोथ इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। बहुत बार सुना है ये कंफर्ट जोन, क्या होता है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है जो मैं आपके सामने आज यहाँ पे रख रहा हूं। जैसे एक मेंढक रहता है, वो एक कुएं में रहता है और वो उसी कुएं में फुदक फुदक के ये कोने से वो कोने, वो कोने से वो कोने, वो कोने से ये कोने, तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया इतने में ही है। अब एक बार क्या होता है, बारिश बहुत जोर से होती है और कुआं पूरी तरह से भर जाता है। अब जैसे ही कुआं भर जाता है तो वो मेंढक फुदक के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद देखता है, पहले कुएं में यहां से फुदक के उधर गया तो दीवार मिल जाता था, अभी जैसे ही बाहर आया देखता है कि इतना सारा कहीं एंड ही नहीं है। जब वो इतना देखता है कि कहीं एंड ही नहीं है तो भाग के दौड़ के वो वापस कुएं में चला आता है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। वैसे ही कई बार हम अपनी लाइफ में अपने आप को कैद कर लेते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कई बार हमें मौका भी मिलता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ट्राई करें, एफर्ट लगाएं, तो भी हम कई बार जाने अनजाने उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कुछ एक्शन नया चीज करने के लिए ट्राई नहीं करते। सो हमेशा ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही मिले। कभी भी आप अपने ग्रोथ के टॉप लेवल को अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। तो हमेशा अगर अचीवमेंट करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, यानी कि आप अगर दुनिया से स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो जितना आप सफल होना चाहते हो उतना शायद ना हो पाओ। रीडिंग बुक इज एन एडवांटेज। किताबों में बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे डायरेक्शन मिल जाएंगे आपको। तो आपको हमेशा एक चीज की हैबिट डालनी है कि आपको बुक्स पढ़ना है। आपको जो चीज चाहिए आज किताबों में लिखी जा चुकी है, सदियों से महान लेखकों ने जो चीजें लिखी है वो कहीं ना कहीं आपको, हमको डायरेक्शन देने का काम करती है। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उससे नए थॉट, नए विचार आते हैं और नए विचारों से हमारी लाइफ में बेहतर रिजल्ट मिलता है। सो ऑलवेज रीड बुक्स, इट्स एन एडवांटेज फॉर एवरी वन्स लाइफ। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम किताबों से दूर होते चले जा रहे, बट लिटरली बोलता हूं कि जितना आपको सफलता चाहिए वो सारी चीजें किसी ना किसी किताबों में लिखा जा चुका है। बस जरूरत क्या है कि जो चीज हमें चाहिए उस तरह की बुक लेके और हमें उसका स्टडी करना, उसका रीडिंग करना है। जितना हम पढ़ेंगे उतना हम आगे लेवल पे ग्रो करते जाएंगे। सो रीडिंग बुक इज एन एडवांटेज, हमेशा किताबें पढ़ने पर फोकस कीजिए। बहुत बार लोगों को देखा है थोड़ी बहुत सफलता मिल गई तो घमंड में चूर हो जाते हैं। नहीं दोस्त, हम्बल बने रहो,
कभी भी कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आज रतन टाटा जी को देखा होगा जो ह्यूमैनिटी को कितना फॉलो करते, यानी मानवता, हम्बलनेस, हर समय हम्बल बने रहो, चाहे आप कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, बट एक चीज है जो आपको जमीन से जोड़े रखेगी, वो है स्टे हम्बल। क्योंकि जितना आप हम्बल बनोगे उतना मानवता को समझोगे और उतने लोग आपसे प्यार करेंगे। सो कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास सफलता आ गई तो मेरे पैर के नीचे सभी रहेंगे, नहीं, स्टे हम्बल, ये आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ दिलाने में मदद करेंगे, आपको आपकी लाइफ में विजेता बनाने में मदद करेंगे। नेवर क्विट द गेम, जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में जीतने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं, नेवर क्विट द गेम। कहते हैं कि हार वहां से नहीं होती है जब आप मैदान में हार जाते हो, हार वहां से होती है जब आपने मन में ठान लिया कि अब मैं जीत नहीं सकता। हारा वही जो लड़ा नहीं, नहीं तो अंत समय में भी बाजी पलटते देर नहीं लगती, बट वो व्यक्ति हार जाता है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो कभी भी अपने फील्ड में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो भी आप लगे रहो, उसमें एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। बट अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो कहीं ना कहीं जो मिलने वाली सफलता थी वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। सो हमेशा अपने आप को उलझा के रखो, आप जिस चीज में सफल होना चाहते हो उस चीज में एकदम से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन जीत मिलेगी। दोस्तों ये 6 पॉइंट्स आप अपने लाइफ में जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अपनी लाइफ में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियोस में नए थॉट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।